अभी का है ना। ऑप्शन नहीं है। हाँ अरे रुको, कैसे मिला रहे तो अरे बॉटल घुमा दो ना अंदर उल्टा करके। नहीं नहीं यार, बॉटल को जंगा हाथ कर रहे, ये बन जाएगा बॉटल का। रुको मत डालो, पहले मालूम पड़ा फीका रहेगा, मत डालो। हेलो टेस्ट है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो, और ये रॉयल स्ट्राइकर्स का अंडर आर्म ओपन ग्राउंड में पहली बार देखा जा रहा है यहां पर। महिंदर का पहला टूर्नामेंट जो ओपन ग्राउंड में अंडर आर्म है, और दूसरे मैच की शुरुआत हो चुकी है। और ये बहुत ही ऊपर दो रन मिलेगा। दो रन तो लगभग हर गेंद पर आ ही रहा है। अरे बेहतरीन शॉट, अरे बहुत अच्छा फील्डिंग, एक हाथ से रोका गया, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग पर दो रन नहीं रोक पाए। तभी अच्छा बनेगा, चाहिए और देख के आता हूँ, बोल मेरा दो मैच। और ये कैच पकड़ा होता तो बेस्ट कैच होता मुझे लगता है। और ये अच्छा शॉट उड़ा दिया है और एक फील्डर की तरफ, और ये वन ड्रॉप, दो रन तो यहाँ पे मिलेगा। आज दुखों की चांदी है, हर बॉल पे दो रन मिला जा रहा है, तो आज चौके कम छक्के कम दो रन ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये बड़ा शॉट, और ये कैच हो सकता है, और ये फिर से दो रन, फिर से दो रन। आज चौकों छक्कों का नहीं, दुखों का दिन है। और हमारे साथ जुड़े हुए पांडे जी, प्रमोद पांडे जी, यहाँ आ जाइए। अगली गेंद, और ये उड़ा दिया हवा में, और कैच हो सकता है, और ये ड्रॉप, कैच ड्रॉप, फिर से दो रन। ओनर थे और ये तीन चले गए, तीन रन भाग गए, कैच ड्रॉप, तीन रन मिल गया, डॉट बॉल हो सकता था। और पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी क्या लगता है आपको अंडर आर्म ओपन ग्राउंड? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वाजपेयी जी पूरा ताकत लगा के मारते हुए, चार बार तो जीवन दान मिल चुका है उनको, थक चुके हैं, देखते आगे क्या होता है। पानी हर दो गेंद में पानी बोला है, पहुंचाया जा रहा है। यहाँ प्लेयर भाग भाग के थक रहे, मार मार के नहीं थक रहे। मैच खेला के पहले बिना बुरा लग जाता हूँ, बड़ा शॉट मारने की कोशिश में, वाइड बॉल, बहुत बड़ा शॉट उठाया था उन्होंने पर टच नहीं हो पाया। और ये बड़ा शॉट कैच हो सकता है ये, और ये चौथा जीवन दान, चौथा जीवन दान, ये इसी क्या छोड़ोगे तो आप मैच गवा दोगे।
जिगर मेहता कुछ तो गुप्तगु करनी होगी। वही गेंदबाजी कर रहे हैं और ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल, पहली डॉट बॉल ओ अंडर आर्म की। भाई हाथ घुमाते हुए और एक ही रन मिलेगा मुझे लगता है इस बार। यस गुड बॉलिंग, एक रन, चार चार कैच, चार चार जीवनदान। इस हिसाब से तो वाजपेयी जी को सेंचुरी मारनी चाहिए। और ये उठा दिया है, क्या ये पकड़ेंगे? मुझे नहीं लगता पकड़ेंगे, मुझे नहीं लगता है मुझे। ओए बहुत ही अच्छा कैच, पहला कैच, हार्ड कैच पकड़ रहे हैं, इजी कैच छोड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा कैच, अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हुए उसमें गिर गए, लग गई है पैर में और यहाँ पत्थर वाले ग्राउंड में लगने ही वाली है। बेहतरीन कैच देखते हुए अगले बैट्समैन, और ये अगली गेंद डॉट बॉल, एक रन मिलेगा मुझे लगता है। 22 के दो रन भाग गए, एक रन और भाग गए। राज यादव अगले बैट्समैन, 42/2 है आफ्टर 3.4 ओवर। बहुत अच्छा बैटिंग करते हुए वाजपेयी को पांचवा जीवनदान मुझे लग रहा है मिलने वाला है। और ये पांच, और ये उड़ा दिया है, और ये पांचवा जीवनदान। जैसे मैंने कहा था वैसा। पांचवा जीवनदान, लेकिन नाना धोए हुए पांचवा जीवनदान नहीं मिलेगा, कैच तो छूटा, लेकिन नाना धो चुके हैं। और फाइनली वाजपेयी जी आउट हो गए और कैच आउट नहीं हुए, रन आउट हुए भाई, रन आउट हुए, पूरा छक्के हार चुके थे, विकेट दे दिया अपना। बोला तुम कैच में पकड़ो, मैं दे देता हूँ। बैट्समैन है बॉलर ने, अगले बॉलर मुझे लग रहा है आदू आए हैं। नीलेश भाई पीछे आ जाइए। और ये बॉल, अगले बॉलर आदू, आदू पहली बॉल वाइड से शुरुआत की है। आजू देखूं और ये वाइड बॉल, और एक बॉल, जैसे टर्फ में डालते हैं वैसे ही यहाँ डाल रहे हैं वाइड। और एक डॉट बॉल, लेकिन एक रन मिलेगा, डॉट बॉल, लेकिन एक बॉल। यहाँ पे नाश्ते का इंतजाम हो चुका है, नाश्ता जल्द से जल्द किया जाए। जिस किसी को भी नाश्ता करना है, यहाँ पे नाश्ता आ चुका है, मिसल पाओ। और बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है रॉयल स्ट्राइकर्स। और ये बड़ा शॉट के मारने की कोशिश में, और एक डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, आदू से भले ही दो वाइड डाले हैं लेकिन मैच में आ चुके हैं। साइड चेंज करते हुए और एक डॉट बॉल। वाजपेयी के बारे में आपका क्या कहना है? वाजपेयी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन पांच जीवनदान के बाद तो कोई भी अच्छा जीवनदान बैट्समैन बन सकता है।
उन्होंने अपना 100 देने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया, रनआउट हो चुके हैं। अभी तो पहला मैच है, अभी और 4 मैच बाकी है। और ये बड़ा शॉट मारने की कोशिश, और एक डॉट बॉल, बहुत ही ज्यादा डॉट बॉल हो रहा है वाजपेयी के आउट होने के बाद। सिंगल्स भी ले सकते हैं मुझे लगता है, ऐसा वाजपेयी जी थे गगनचुंबी शॉट ट्राई कर रहे थे, कैच नहीं हो रहा था, एक एक रन ले। और ये स्टंपिंग हो चुकी है मुझे लग रहा है, विकेट जा चुकी है, स्टंपिंग हो चुका है। अमित सुमित संतवाल अगले बल्लेबाज सुमित संतवाल टर्फ में छक्के मारने में गिने जाते हैं, देखते हैं यहाँ इनका क्या होगा। और ये पहला डॉट बॉल, कैच ड्रॉप हो चुका है मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से आदू बता रहे मुझे लग रहा है कैच ड्रॉप हो चुका है। संतवाल द बॉस, अगले ओवर में लास्ट ओवर है इस इनिंग की, बल्लेबाजी कर रहा है संतवाल, देखते हैं लास्ट ओवर में कुछ कर पाते कि नहीं। सुमित संतवाल अगले लास्ट ओवर में क्या कर पाते हैं देख लेते हैं हम, वो तो समय बताएगा। पहला बॉल में तो दिखा कुछ नहीं हो पाया। अगले बॉलर का नाम बता दीजिए प्लीज। यश बॉलिंग करने आए हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है ये भी, जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ बहुत अच्छे गेंदबाज है ये भी। और ये पहली बॉल पे बड़ा शॉट और कैच, और ये कैच, पहली बॉल पे विकेट ले चुके हैं यश, मैंने कहा था अच्छे गेंदबाज है ये। चालू किया जाए बॉल डाला जाए जल्द से जल्द, ताकि अभी तक हमारा दूसरा ही मैच चल रहा है, इसके अभी तक 4 मैच हो जाना चाहिए थे। और एक बड़ा शॉट मारेगा पर ये कैच लेने जा रहे, ये टैप के लिए जा रहे, कैच के लिए नहीं गए, मुझे लगता है उनको ट्राई करना चाहिए था कैच के लिए। और एक टॉट बॉल, अच्छी गेंद, 3 गेंदों में अब तक 2 ही रन आ चुके हैं। अरे आउट, अंपायर का डिसीजन आउट। अंडर आर्म ओपन ग्राउंड में बहुत कम देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट अब तक का। और ये और एक विकेट, नहीं डॉट बॉल, और ये बड़ा शॉट कैच हो सकता है। और ये दोनों प्लेयर मैं पकड़ लिया, क्या हुआ डोंगल। और ये तीसरी विकेट इस ओवर की, 3 विकेट ले चुके हैं यश। लास्ट ओवर में आप यही कर सकते हो, बड़े शॉट मारने जा सकते हो, इसी का फायदा उठाते हो यश। और एक वाइड बॉल, नाश्ता जल्द से जल्द किया जाए, लिमिटेड स्टॉक है। और ये बेहतरीन शॉट, लेकिन मुझे लगता है एक रॉरी रॉडोल के चांस हो सकता है। और ये आउट, अंपायर डिसीजन आउट, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, इस ओवर मुझे लगता है 3 या 4 रन आए सिर्फ, और 4 विकेट आ चुके हैं। मैच का रुख मोड़ दिया है, सेकेंड इनिंग में देखते हैं 4 रन कितना चेस कर पाते, टारगेट बताएंगे, व्हाट इज द टारगेट। बाइक प्लीज ग्राउंड के बाहर लगाइए प्लीज।
बाइक जिसका भी पड़ा हो ग्राउंड के अंदर मत लगाइए, ग्राउंड के बाहर अपना बाइक पार्क कीजिए, वैलिड पार्किंग है, अपना अपना पार्क कर सकते हो, वैलिड पार्किंग है। और मैच की दूसरी इनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए प्लीज अंपायर, सेकेंड इनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है, एक घंटा हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, नहीं तो फिर ओवर कम करनी पड़ेगी सर लास्ट में फाइनल और सेमीफाइनल तीन ओवर या दो ओवर का ही होगा ऐसा मुझे लग रहा है। नाश्ता जल्द से जल्द कर लिया जाए, आधे घंटे में नाश्ता काउंटर बंद हो जाएगा। क्या हुआ? मेरे को क्यों बुला रहा है? YouTube कैप्चर कर रिस्पॉन्स इसका टॉस को YouTube टॉस को कैप्चर करे सर, इधर रख रहा हूँ। और ये अगला मैच टॉस हो चुका है, राइजिंग स्टार वर्सेस रिशु 11, और राइजिंग स्टार ने टॉस जीता है और मुझे लगता है पहले बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग किया है, मुझे पता था हमारी बात हो चुकी है उनसे, तो पहले राइजिंग स्टार टॉस जीत के बॉलिंग करेंगे और ये बढ़िया डिसीजन लिया गया है मुझे लग रहा है। यहाँ पर पहले गेंदबाजी करना काफी असरदार साबित हो चुका है अभी तक कैली गेंद। वेस्ट आपका जो है खाने के बाद प्लीज वो यूट्यूब स्पॉन्सर यूट्यूब के काउंटर के नीचे कचरे का डब्बा रखा है उसमें डाल दीजिए प्लीज। पहले इनिंग में रन बन चुके हैं मुझे लग रहा है। अरे कोई तो स्कोर देखो कितना हुआ। पहले इनिंग का स्कोर है 55 और बॉलिंग पे है विक्रम मौर्या, ओनर ऑफ नौकार आर्यन बाहुबली। और ये पहली गेंद और ये वो बड़ा शॉट मिलेगा दो रन, मुझे लग रहा है दो रन तो आसानी से मिलेगा। विनीत और तरुण से रिक्वेस्ट है और ये थोड़ा बाजू आ जाए, बहुत ही खराब थ्रो, एक रन को दो रन मिला है। संतवाल लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करते हुए और ये हमें उड़ा दिया है, मुझे लग रहा है एक रन मिलेगा। अतुल ने अपने कलाइयों के द्वारा धकेल दिया बॉल, लेकिन अतुल की कलाइयों से सिर्फ एक रन मिलेगा। 30 यार्ड के बाहर पार कर दिया, अतुल के लिए 100 रुपए का इनाम है। और ये एक और एक शॉट, दो रन तो मुझे लग रहा है मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और ये मिस फील्डिंग और काफी अच्छी पार्टनरशिप सूझबूझ का ध्यान देते हुए दो रन कंप्लीट किया। बहुत ही कड़क धूप में बिना कैप पहने हुए फील्डिंग करना खराब। और ये बड़ा शॉट और ये चौका हो सकता है, बहुत ही फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत सूझबूझ इनको, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ग्राउंड का। और एक रन ओवर थ्रो हो सकता है, हम जैसे खिलाड़ी होते तो ये चौका चला गया होता, लेकिन वाजपेयी जी है बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए लगे रहो। थकावट दिखती हुई, अतुल शर्मा एक रन में थक चुके और ये उड़ा दिया है, कैच होगा और ये कैच आउट। काफी अच्छा खेल रहे थे, 30 यार्ड बहुत बार पार किया, क्या वो कर पाएंगे? जीतू आउट हो चुके, जीतू अतुल 30 यार्ड के लिए तरस रहे, 30 यार्ड के बाहर गया। मुकुट की तरफ से 100 रुपए का इनाम अतुल को,
गेट के यहाँ पे प्लीज बाइक पार्क मत करे, प्लीज गेट के यहाँ पार्क मत करे, थोड़ा आगे करिए। सभी से निवेदन है गेट के यहाँ गाड़ी पार्क ना करें। बॉलिंग पे आए हैं, बहुत ही लंबे चौड़े दिखाई दे रहे हैं। बॉलर का नाम बता दीजिए। बॉलर का नाम बता दीजिए। रिसु 11 प्लेयर से रिक्वेस्ट है पीछे आके बैठे। स्ट्राइक पे अतुल शर्मा, बहुत ही अच्छा ट्राई किया था यार, बहुत ही अच्छा ट्राई किया था, पीछे बार भी लेकिन भगवान भी इनका साथ नहीं दे रहा। और ये 30 ओवर के बाद पहली बार जाते हुए 100 रुपए का इनाम कैंसिल कर दिया, लास्ट पहले ओवर का था वो। अतुल जैसे प्लेयर की बहुत जरूरत है इस ग्राउंड पे, प्लेट प्लेट से भी रन बनाया जा सकता है। और एक प्लेट और एक रन, एक रन ये नहीं सोचना कि 6 और 4 से ही रन बनते हैं, एक एक रन खेल के इनिंग को आगे बढ़ाते हुए। बस यही जानकारी रखनी होगी कि 36 बॉल का ही मैच है। और ये बड़ा शॉट और कैच, 30 यार्ड के अंदर क्या चोट ड्रॉप कर दिया, क्या ये बाउंस बॉल है? जीवनदान, बहुत ही अच्छा टैप शॉट खेलते हैं अतुल शर्मा। 30 यार्ड के अंदर भी कैच छोड़ा गया। और ये डॉट बॉल, और ये अच्छा शॉट हमें उड़ा दिया, क्या कैच के लिए जाएंगे। और ये कैच पकड़ लिया है, बहुत ही काफी अच्छा कैच पकड़ा है कैप्टन जी, आए कैच पकड़ते हुए। मोरिया गणपति बप्पा मोरिया, ओ भैया जिगर भाई लोकरिया, ओ भाई बल्ली भाई बल्लेबाजी पे होते हैं जिगर, टर्फ में तो बहुत उड़ा उड़ा के सिक्स मारते हैं। यहाँ देखिए ग्राउंड का देखना होगा, हाँ करता हूँ कमेटी मेंबर। और ये ऑर्गेनाइजिंग टीम के न्यू मेंबर जिगर मेहता, नहीं वो आएगा ऊपर मैं जाऊंगा ना, वो है सर गिर रहा है ओनर बनने की बहुत चाह थी लेकिन ऑर्गेनाइजर बना दिया है। बहुत ही ताजा स्वागत हो अतुल शर्मा और रवि का। और ये अच्छा शॉट लेकिन 30 यार्ड के बाहर नहीं गया। हंसी रुकती नहीं है, जब वो बैटिंग पे आते हैं तो हंसी रुकती ही नहीं, कलाई देख के। थकावट दिखती हुई पिच के बाहर मारा 100 रुपया, अभी तो पहली मैच है। और ये बॉल डाल दिया, पहले बॉल डाल, पहली गेंद पहली रन में, ओपन क्रिकेट में बहुत फर्क है ये पूरा दिखता हुआ। और पहली गेंद पे आउट, ओ यूटी आउट, डक पे चले गए। और यही एक टर्फ होता तो ये छक्के की बारिश कर देते थे, आज एक छक्का नहीं दिखा ना एक रन दिखा, बस विकेट दिखा। ले बल्लेबाज ओ यू टी आउट। अगले बल्लेबाज के बाद का नाम बता दीजिए। लेफ्टी, लेफ्टी आए हैं लेफ्टी बैटिंग करने, लेफ्टी आए हैं इंद्रेशरे, पहले लेफ्टी बैट्समैन। अरे उड़ा उड़ा दिया है पे, क्या ये चौका हो सकता है? और ये चौका, ये बैड लक संसार के ऊपर से बैड लक, नहीं ये कहेंगे मिस जजमेंट राइट। ये देखना होगा कि बॉल कभी भी कैसे भी उड़ के कहीं भी चली जाती है। और ये मिस जजमेंट कर दिया यहाँ पर, मुझे लगता है होंगे आगे जाना चाहिए था पर वो बॉल का वेट करने के चक्कर में फोर चला गया, बॉल ने चकमा दिया और 4 रन पहला चौका। और एक बड़ा शॉट और एक ग्राउंड शॉट मारा था, एक रन मिलेगा एक रन। और ये अतुल,
और अतुल का राशि बहुत अच्छा है। अतुल जैसे बैट्समैन की बहुत जरूरत है इस पिच पे, 6 और 4 से रन नहीं बनता, कलाइयों का उपयोग भी होता है। अगली गेंद लेफ्टी, क्या करते हैं देखते हैं हम। बॉल घूमेगा हवा से और ये उड़ा दिया है, 2 रन तो मुझे लग रहा है आसानी से ले लेंगे, नहीं लेंगे इस बार, 1 रन नहीं लेगा भाई। एनर्जी ड्रिंक बीच में पीते रहिए, एनर्जी की सख्त जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चौके छक्के आना बहुत ही मुश्किल। और ये कलाई का, और ये बहुत ही कलाइयों का उपयोग करते हुए ड्रॉप, चौका हो सकता है, और ड्रॉप कर दिया, बहुत ही शानदार लगता, हवा का रुख बदल चुका है लेफ्ट पे, और ये चौका पहला जीवन का। मेरी तरफ से 100 रुपया इनाम अतुल शर्मा, 1 नंबर मेरे प्यारे दोस्त। मुझे लगता है लेफ्ट साइड से हवा का झोंका तेज हो चुका है, हवा के थ्रू रन, हवा चेंज हो चुकी है। हीरे पे हीरा अपना स्ट्राइक लेगा, ओवर हो चुका है लेफ्टी आए, और ड्रिंक ब्रेक लिया है, ड्रिंक ब्रेक हर ओवर के बाद, हर ओवर के बाद एक ड्रिंक रखा जाए। बड़े बड़े सुरमा सिक्स मारने आए थे लेकिन सिक्स सिक्सर दिखा नहीं है, यहाँ सूझबूझ से खेलना होगा। और ये लेफ्ट साइड ढकेल दिया है बॉल को, और तो मुझे लग रहा है आसानी से मिल जाएगा वो थ्रो, भी अच्छी वो करना चाहिए जल्द से जल्द। जल्द से जल्द मैच को खत्म करें, अभी हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं। और ये कैच हो सकता है, और ये इजी कैच आसानी से विकेट लेते हुए यहाँ पर आउट होते हुए लेफ्टी। अगले सब आउट हो चुके हैं लेकिन अतुल शर्मा भी टिके हुए हैं। एक साइड से विकेट गिरता हुआ लेकिन वो हीरा एक साइड से खड़ा है अपना अतुल शर्मा। और ये बहुत ही अजीबो गरीब बॉलिंग, दया स्टाइल बॉलिंग, अजीबो गरीब बॉलिंग। चाचा जी याद आ गए मुझे, इस ग्राउंड में गंदगी ना फैलाए। और ये 1 रन 22 के रूप में मिलेगा। अठारह गेंदों में 28 रन चाहिए क्योंकि मुमकिन है, पूरी तरीके से मुमकिन है जब तक मेरा खास अतुल शर्मा टिका हुआ है। ये मैच उनके हाथ में है, अतुल शर्मा 150 की स्ट्राइक से खेल रहे हैं। अच्छी गेंद, 2 रन का मुझे लगा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा 2 रन। 30 यार्ड के सर्कल पे बाहर निकला तो 2 रन कंफर्म हो जाता है। मुझे लगता है 30 यार्ड के बाद 2 रन रख ही देना चाहिए था। तो ये मुझे लगता है मेहनत कम हो जाती भागने की थोड़ा। और ये ढकेल दिया, 4 रन हो सकता है, चौका और ही चौका ही है। और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मुझे लग रहा है 3-4 रन भाग के ले लेंगे।
तीन रन ले लिया है, एक रन बचा हुए टीम के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, हाथों से नहीं रुक रहे, पैरों से रुक रहे, काफी शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑफ पे। 10 बॉल 20 रन, दस गेंदों में 20 रन चाहिए, सॉरी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 10 गेंदों में 20 रन चाहिए, 10 गेंद 20 रन। बहुत ही रोमांचक होते हुए मैच, और ये डॉट बॉल अब, और ये आउट, आउट विकेट हो चुका, और ये विकेट का पतन हुआ, अतुल शर्मा का विकेट का पतन होते हुए। और ये अच्छा शॉट, 2 रन के लिए तो जाएंगे मुझे लग रहा है, और विकेट हो सकता है, बच गए। शिवो कर देना, मुझे तो अभी से टेंशन आ रहा है। अभी से बोल तो वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे। और ये अच्छा शॉट मारते हुए मुझे लग रहा है 2 रन तो मुझे लग रहा है आसानी से मिल जाएंगे, और मिस फील्डिंग हो सकता है नहीं, और ये अच्छी फील्डिंग, और 2 रन ले लिया है, और ये क्या दूसरा भी हो सकता है, वाजपेयी का अच्छी फील्डिंग, वाजपेयी की, वाजपेयी अच्छे फील्डर है, लेते हुए यहाँ पर 8 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं 8 दिन में। और ये अच्छा शॉट, और ये अच्छा शॉट, 2 रन आप सारे मिल जाएंगे, बेहतरीन फील्डिंग, गिरते हैं सोते हुए पकड़ रहे। और पटेल आ चुके हैं यहाँ पर, पटेल हमारे बीच में, पटेल द हिटर, 6 बॉल पे कितने रन की आवश्यकता, 6 गेंदों में 12, 2 रन, 2 छक्के की जरूरत, छक्का तो मुझे लगता नहीं है प्रभु पांडे जी पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन चौकों से मैच जीत सकते हैं, चौकों से मैच जीत सकते हैं। बड़े बड़े सुरमा आए थे 6 मारने, लेकिन नहीं हो पाया, पहली गेंद 4 पे का एक बाकी है मारने के लिए, राजन, राजन जो ऐसे ऐसा प्लेयर है जो 6 मार सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और पटेल हो सकता है अगला बैट्समैन। मुकुंद को 30 यार्ड के बाद मारा तो 100 रुपए का इनाम है, नहीं ये मार देंगे, इन पे मुझे भरोसा है, 30 यार्ड के बाहर ही मारेंगे हर बॉल, स्कोर भी बता रहे, उन्होंने आँख खोल के रख दी। रन 6 में 12 रन, 6 गेंद 12 रन की आवश्यकता, और बॉलर है सुमित चंदवाल, द बॉस सुमित चंदवाल, ट्रिपल 3, मुझे लग रहा हो जाएगा ये, लगता है लेकिन लगना और करना, और ये देखिए ऐसी बॉलिंग आएगी तो जरूर हो जाएगा। और ये अच्छी गेंद, अच्छी बॉलिंग, ओ वाइट बॉल, नहीं ये वाइट है, वाइट दिया गया, ओहो कंटिन्यू वाइट डालते हुए, 10 रन चाहिए अब 6 गेंदों में, और ये अच्छा शॉट खेल दिया है लेग साइड पे, 2 रन हो सकता है क्या, एक नहीं होगा, ये गिरावट है, बहुत ही अच्छा फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, और 1 रन बचाते हुए टीम के लिए, 2 तो एक्स्ट्रा में चले गए, 5 गेंदों में 9 रन चाहिए, 2 में 3 आ चुके हैं, और यहाँ हमारे बीच आ चुके वेलिदा, पांच गेंदों में 9 लग, क्या लग रहा है आपको, बाहर से मत आवाज से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्लेयर से कहा जाता है प्लीज अपने जगह पे आ जाइए, कोई वहाँ खड़ा नहीं है बाउंड्री पे, प्लीज अंपायर वहाँ पे खड़े हैं, अंपायर खड़े बाउंड्री पे, कोई नहीं खड़ा रहे, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं बाउंड्री लाइन से पीछे आ जाइए।
डिस्क्वालीफाई किया जाएगा टीम को। हेलो हेलो, जो प्लेयर बाहर खड़े हो बाहर से ना बोले, अंपायर रखे हुए हैं चार चार। आप सभी से निवेदन है कृपया पीछे आइए, ऑर्गेनाइजर सबको पीछे लेके आइए, यहाँ पर पंडाल बांधा हुआ है बैठने के लिए, धूप में खड़े रहने के लिए नहीं। चार गेंदों में 8 रन चाहिए। आप बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए सुमित चंदवाल वेलकम बैक। और ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल, समझ में नहीं आ रहा किसी को। 3 गेंदों में 8 रन, क्या ये बन जाएगा? बहुत ही अच्छी, क्या 2 वाइड के बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ संतवाल, अच्छे बॉलर है। और ये नजर लग गई, नजर लग गई, यस मुझे लगता है ये नजर लग गई है। 3 बॉल 7 रन, बहुत अच्छी कीपिंग करते हुए कीपर, 2 रन बचाते हुए और एक डॉट बॉल से टर्न पर 1 रन मिलेगा। आगे पांडे जी संभालेंगे अब कमेंट्री। नहीं, मेरी भी बैटिंग या फील्डिंग कुछ तो है। बैटिंग तो नहीं बुझा रही है। हां पांडे नहीं बुझा रही है, नहीं बुझा रही है। और ये बहुत अच्छी गेंद सुमित द्वारा, ट्राई किया था लेग पे खेलने का। दो बॉल में 6 रन चाहिए, यहाँ पे कम से कम 1 बाउंड्री की आवश्यकता है। एक बॉल में 6 रन, 5 ये बहुत अच्छी गेंद। और यहाँ पे नौकार जीतते हुए मैच, बहुत अच्छी बॉलिंग सुमित द्वारा, अंडर प्रेशर थे, काफी कम रन यहाँ पे डिफेंड करना था, 12 रन डिफेंड करना था, बिकॉज यहाँ पे इजीली 2 रन निकाल सकते हैं आप एक बॉल पे, बहुत अच्छी बॉलिंग और यहाँ नौकार जीतते हुए।